हेलो मॉमीज़, वेलकम टू प्री स्कूल एजुकेशन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो एज़ यू नो कि जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अब मैं प्री नर्सरी के लिए सीरीज शुरू करने जा रही हूँ इस वीक से, तो आज उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी सिलेबस फॉर प्री नर्सरी, कि प्री नर्सरी के लिए क्या सिलेबस होता है। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी सिंपल सिलेबस जो बहुत सारे स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर करना चाह रही हूँ कि कई स्कूल्स में प्री नर्सरी क्लास में राइटिंग वर्क ज़्यादा नहीं कराते हैं, बट यहाँ पर मैं ये जो सीरीज़ आप लोगों को, वन मंथ की मेरी ये जो सीरीज़ चलेगी उसमें मैं आप लोगों को राइटिंग वर्क भी हम लोग उसमें करेंगे वर्कशीट्स के साथ साथ। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को सिलेबस जानना ज़रूरी है कि विच सिलेबस वी यूज़ इन द प्री नर्सरी क्लास। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस फॉर प्री नर्सरी। सबसे पहला जो मैंने लिया है हिंदी। हिंदी के लिए मैं अभी आपको सिलेबस बताऊँगी कि विच सिलेबस वी फॉलो फॉर हिंदी सब्जेक्ट। तो हम क्या हम इसके लिए फॉलो करते हैं, तो अ से अह तक के चित्र में रंग भरो, ये वाली जो वर्कशीट्स होती हैं, बिग पिक्चर होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अ लिख दिया, मैं आगे अपनी इन सीरीज़ में पूरा ये आपको शेयर करूँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड एवरी डे सी द वीडियोज़। ओके, डेली आप देखो, मैं डेली ये पोस्ट करूँगी, संडे को छोड़कर, बस संडे में नहीं पोस्ट करूँगी, बाकी अदर सिक्स डेज़ में एवरी डे आई विल शेयर ऑल द वर्कशीट्स विद बिग पिक्चर। तो यहाँ पर अ से अह तक हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं वन बाय वन। एक दिन की 5 वर्कशीट्स मैं लूँगी, लेकिन वो सारी इससे रिलेटेड ही नहीं होंगी कि चित्र सिर्फ हिंदी की ही हो, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वो सारा आएगा आगे आगे, आप देखते जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अ से अह चित्र में रंग भरो, एक बड़ी पिक्चर हम बना देते हैं, यहाँ पर हम अक्षर लिख देते हैं और यहाँ पर एक बिग पिक्चर बनती है, उसमें बच्चे को कलर करना होता है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। और ये रिलेटेड होती हैं स्वर से, जैसे ये स्वर है अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली। उसके बाद जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो ये वाला कर्व होता है, दिस वन कर्व। ये हम हिंदी के लिए यूज़ करते हैं, जो हिंदी में इससे हम बच्चे को ऊ से उल्लू लिखना सिखाते हैं, मतलब उसे उल्लू से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वन स्लीपिंग लाइन लाइक दिस। तो इसके लिए डॉट्स जाते हैं ये वाले और इसके लिए जाते हैं ये वाले। तो इस तरह से आपको कराना है कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। प्लीज़ इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि ये वाली जो मैं सीरीज़ अभी स्टार्ट कर रही हूँ ये सारे पेरेंट्स देखें, मतलब दिस सीरीज़ इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो उसके बाद हम जो कर्व से स्टार्ट करते हैं एंड देन स्लीपिंग लाइन, दो हम सिखाते हैं, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन वी विल डू एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कर्व। तो इसके लिए भी वर्कशीट्स आई विल शेयर एंड इसके लिए भी, कर्व के लिए भी। ओके, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लिखाना। तो हम उसमें लिखते हैं ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, अ से अनार, आ से आम, अंग से अंगूर और अह खाली। जितने भी जो भी वर्ड्स, जो भी स्वर हमारे कर्व से शुरू हो रहे हैं और जिनमें लाइंस का, स्ट्रोक्स का जिनमें यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, ये स्ट्रोक्स हैं, दीज ऑल आर स्ट्रोक्स। तो ये लाइन वाले जो स्ट्रोक्स हैं और जो कर्व वाले स्ट्रोक हैं, तो ये इनका जो भी यूज़ हो रहा है उनसे बने हुए ही अक्षर हम प्री नर्सरी क्लास में करवाते हैं, कोई मात्रा वाले अक्षर नहीं होते हैं। तो दिस इज़ द सिलेबस फॉर प्री नर्सरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश। अब आ जाइए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट, तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। यस, अब है इंग्लिश। इंग्लिश में हम जो कराते हैं ए टू जेड कलरिंग शीट्स, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखा जाता है ऊपर एंड पिक्चर ड्रॉ होती है और उसके बाद उसमें कलरिंग कराई जाती है। तो ये होती हैं ए टू जेड तक की ये शीट्स, सबसे पहले हम प्री नर्सरी क्लास में फिनिश करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रोक्स पे आते हैं। स्ट्रोक्स में हम स्लैंटिंग, लेफ्ट राइट, कर ये सिखाते हैं। अल्फ़ाबेट्स में ए एल टी ई एफ आई के एम एन, जो भी लाइन वाले जो स्ट्रोक होते हैं, लाइन से जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं वो वाले अल्फ़ाबेट्स इसमें हम कराते हैं। ओके, नाउ मैचिंग लेटर टू लेटर,
कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर नहीं होते अभी, कैपिटल लेटर्स भी पूरे नहीं होते हैं पार्टिकुलर। आई हैव टेकन सम लेटर्स जो हम प्री नर्सरी क्लास में कराते हैं, तो प्लीज़ ये सीरीज़ आप मेरे साथ ज्वाइन करिए और इसको शुरू करिएगा। तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट द थिंग्स कि कैसे कैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, और रियली ट्रस्ट मी कि बच्चे से बहुत जल्दी सीखते हैं। तो मैचिंग लेटर टू लेटर, यहाँ पर हम लेटर्स लिख देते हैं और यहाँ पर लेटर्स लिख देते हैं, बच्चे को वो मैच करना होता है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर स्ट्रोक से रिलेटेड आपको देखनी है वीडियो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट 1 to 10 कलरिंग शीट्स विद पिक्चर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 1 पिक्चर आई हैव ड्रॉन, और नीचे यहाँ पर 1 हम लिखेंगे नंबर, एंड यहाँ पर देन ड्रॉ 1 पिक्चर, और ही और शी विल कलर, मतलब बच्चा जो होगा वो उसमें कलर करेगा। नेक्स्ट हमारे होते हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स के लिए मैथ्स में हम जो सिखाते हैं वो 1 स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि कर्व एंड ऑल जो स्लैंटिंग लाइन है लेफ्ट राइट वो सारी हम इंग्लिश में शुरू कर देते हैं, स्ट्रोक्स के साथ ही शुरू किया जाता है। बट मैं आपको पर्टिकुलर ये बता रही हूँ कि किस सब्जेक्ट में हम क्या स्ट्रोक कराते हैं। सबसे पहले इसमें हम स्टैंडिंग लाइन करवाते हैं। अब रिटर्न वर्क में हम 1 से लेकर 10 तक के सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो लिखवाते हैं। आई विल शेयर ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप इन माय चैनल, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं अभी फिर दोबारा आई एम रिमाइंडिंग टू ऑल कि ये सारा मैं इसमें क्लास में हम मैथ्स में 1 to 10 तक के सारे नंबर्स करा देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हम कलरिंग शीट्स लेते हैं और उसके बाद हम राइटिंग में इसको कराते हैं बच्चों को। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ जीके। तो नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ जीके। तो जीके में हम लोग क्या कराते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलरिंग शीट्स होती हैं ये भी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद द नेम। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बच्चा अभी इतना कैपेबल नहीं होता कि वो स्पेलिंग वगैरह लर्न कर पाए, तो उसको हम विद पिक्चर कलरिंग शीट्स होगी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एक्शन वर्ड्स विद एक्शन, ये एक्शन वर्ड्स हम विद एक्शन करेंगे, पिक्चर्स के थ्रू भी समझाएंगे और विद एक्शन भी। मैं ये आपको बताऊंगी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्मॉल सेंटेंसेस। तो इसके लिए मैं आगे जैसे जैसे ये सीरीज़ हम लोगों की बढ़ती जाएगी मैं इसको अपलोड करती जाऊँगी, तो आप देखते जाइएगा। और एक चीज़ और है इसमें, 7 नंबर पर आई हैव नॉट रिटन हेयर स्टोरी, तो इसमें हम एक स्टोरी कराते हैं बच्चों को, एक स्टोरी होगी यहाँ पर थर्स्टी क्रो। एंड व्हेन यू विल सी ना कि जब आप ये देखोगे इस सीरीज़ को और आपके बच्चे प्रॉपर मतलब थर्स्टी क्रो की स्टोरी बोलेगा इन इंग्लिश, देन दैट टाइम यू विल सरप्राइज कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट उसके लिए आपको मेरी पूरी सीरीज़ देखनी होगी, ओके ना। तो अगर थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।